पटना में हुई विपक्ष की बैठक को लेकर महाराष्ट्र में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां बैठक को प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्षी दलों की बैठक केंद्र में नरेंद्र मोदी नीति सरकार को हटाने के लिए नहीं बल्कि वंशवादी राजनीति को बचाने के लिए थी, जिस पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया है। ठाकरे ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महबूबा ने उन्हें बताया कि पीडीपी के साथ भाजपा का गठबंधन इस शर्त पे था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उद्धव और देवेंद्र के बीच पटना में विपक्ष की बैठक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ हो, इससे पहले भी कई मौकों पर इन दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक हो चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।